Hello everyone, moving to the next question. This is question number 19 of set 1, question number 14 of set number 2, and again question number 14 of set number 3 also. In figure 2, PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. So, yahan pe aapko TP find karna hai, iska solution aapko kahan milega? देखो जब हमने ये कोड किया था 311 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 18 एज इट इज सेम था, कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है. सो आपको जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई डू इज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पे क्लिक करके इस क्वेश्चन पे जा सकते हो एंड देन वहां से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो. ओके, सो अभी हमारे पास इसके साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन है. सो वी विल कम टू दैट क्वेश्चन. So coming to the next question, means ये question आपका choice में है. तो question says prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Question बहुत simple है, लेकिन हाँ calculation में थोड़ा सा घुमाने वाला है. तो अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, clearly समझोगे तो बहुत simple लगेगा. अगर ऐसे बस भागदौड़ में आगे आगे करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा. स्टार्ट करते हैं. क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ठीक है. ये मैंने एक ऐसे ही रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है. अब ये क्वाड्रिलेटरल है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मींस जैसे ये आपका एक सर्कल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है ना, वो उसको उसकी सारी साइड इसको टच करती हुई जाएंगी सर्कल को. तो मतलब इसके अंदर हम एक सर्कल बना लेते हैं. हो सकता सही ना बने, तो इसको ट्राई करते हैं इस तरह से. आप जब भी बनाओ आप अपने कंपास और स्केल्स वगैरह यूज कर सकते हो. तो ये एक सर्कल बन गया और ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है. इसको नेम देते रहते हैं साथ साथ. ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है. अब आगे क्या बोला है, हमें प्रूव क्या करना है. ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी डी सी. ऑपोजिट है ए डी बी सी, ऑपोजिट है. ये क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री का एंगल सब्टेंड करेंगे सर्कल के सेंटर पे. सर्कल का सेंटर मान लो यहाँ पे, तो ये इस पे सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो जितने पॉइंट है ना सबको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया. जैसे ये सर्कल से टच हो रहा है, इस पॉइंट को नेम दे दिया ए बी सी डी हो गया, इसको ई दे दिया, यहाँ वाले को एफ जी एच, ठीक है. सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ई से सेंटर, सेंटर ओ है हमारा, ठीक है. यहां से इसको, यहां से सेंटर को, इसको एफ से, ए से ले जाओ सी तक और डी से ले जाओ डी तक. तो सारे हमने ज्वाइन कर दिए और बीच में ओ पॉइंट पे सब इंटरसेक्ट करे. अब यहां पे मैं एंगल्स के नेम दूंगी, आई एम चेंजिंग माई मार्कर सो दैट वो डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा. सो ये हो गया, मान लो यहां से शुरू करते हैं एंगल वन, ये हो गया एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट. तो देखो वैसे तो आप इनके नाम ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ए ओ ई है, ए ओ एच है, बट जब हम एंगल्स के नाम देते हैं ना कैलकुलेशन इजी हो जाते, वरना लिखते हुए इतना सारा लिखना पड़ता है. नहीं, सिंपल लिखो एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, ज्यादा बेटर है, ठीक है. अब बात करते हैं कि ये तो पूरी हो गई हमारी फिगर. अब आ जाते हैं प्रूफ करना क्या है. समझ में तो आए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे. प्रूफ हमें ये करना है. अब देखो ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है ऑपोजिट साइड और डी सी है ऑपोजिट. ये ऑपोजिट साइड है, अब ये कैसा एंगल सब्टेंड कर रहे हैं. अगर हम इस साइड का देखें तो ये एंगल है ए ओ बी. एंगल क्या है, ए ओ बी, ये एंगल है. और अगर हम डीसी की बात करें तो ये कौन सा एंगल है, एंगल सेवन प्लस सिक्स मतलब डी ओ सी. ये हमें बताना है कि ये हमारे 180 डिग्री है. ऐसे ही जैसे ये ऑपोजिट साइड है, ऐसे ही ये भी ऑपोजिट साइड है. मतलब ए ओ डी हो गया, ए ओ डी, एंड इधर से देखें तो बी ओ सी, ठीक है. क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको यही नहीं क्लियर होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो बस वो ऐसे ही आप हवा में तीर मारते जाओगे आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है. सो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि भाई हमें प्रूफ करना क्या है, किसको सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है. तो ये हमारे पास एंगल्स आ गए. अब हम स्टार्ट करेंगे, पहली एक चीज से तो स्टार्ट करना है, सीधा तो आप इनको 180 नहीं प्रूफ कर सकते. सो हम बिगिन करेंगे ऐसे कोई दो साथ वाले एंगल्स देखे, जैसे ये ए ओ ई है और ई ओ डी है. इससे क्या होगा, इनको मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकती हूँ, बिकॉज इसमें मुझे सिमिलैरिटीज दिख रही है. टेंजेंट्स हो गए वो हमें दिख रहे हैं, या जो कॉमन साइड है वो हमें दिख रहे हैं, तो हम
ऐसे दो ट्रायंगल ले रहे हैं साथ वाले जिसमें हमें कुछ मिल सके, जैसे कि ये देखो, अगर मैं ये टेंजेंट देखूं ऐसे चारों तरफ, जैसे मैंने अभी एक बताया, अगर मैं AH और AE से देखूं, ये दो टेंजेंट्स हैं, तो कौन से एंगल 1 एंगल 2 वाले ट्रायंगल, यहां पे एंगल 3 एंगल 4 वाले, एंगल 5 6 वाले, 7 8 वाले, तो हम यहां से 1 और 2 वाले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल AOE, AOE एंगल 1 वाला है और AOH एंड ट्रायंगल AOH, ठीक है। सो अब इन दोनों में हमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो सिंपल सा लिख दो भाई, OA equals to OA common, ठीक है, इसमें तो कुछ भी हमें देखने की जरूरत नहीं, दोनों ये जो OA है दोनों में कॉमन है। उसके अलावा OH OE दोनों ही सर्कल की रेडियस है, सो OE equals to OH दोनों ही सर्कल की रेडिया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज टेंजेंट्स है हमारे पास, तो AE इक्वल होगा AH के, रीजन टेंजेंट्स है। अब यहां पे तीन चीजें आपको मिल गई, सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOE कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी एंगल AOH के, और कैसे कॉन्ग्रुएंट है, SSS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो मैं कह सकती हूं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, करेक्ट। सो सिमिलरली अभी देखो, हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए तो हमने 1 और 2 को प्रूव कर दिया। इसी तरह से अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल लेती HOB BOG तो एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो जाते। सिमिलरली ये दोनों ठीक है, दोनों में टेंजेंट्स कॉमन आ रही है, सो सिमिलरली आई कैन से जैसे एंगल 1 2 के इक्वल है ऐसे ही एंगल 3 4 के इक्वल होगा और एंगल 5 6 के इक्वल होगा और एंगल 7 8 के इक्वल होगा, ठीक है। सो सिमिलरली ये सब चीजें भी हम कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने यहाँ पे दो दो एंगल्स को प्रूव कर दिया इक्वल है। अब देखो जरा ये जो सारे एंगल है ये मिलके क्या बना रहे, सारे जितने भी एंगल सबस्टेंड हो रहे हैं कित क्या बना रहे, टोटल एक कंप्लीट एंगल बना रहे। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। सो आई कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल होगा 360 डिग्री, ठीक है। यहां तक तो भाजी जो सामने दिखा था वो हमने कर दिया, अब हमें लगाना है थोड़ा सा दिमाग। अब वो कैसे लगाना है, आपको पता है 1 2 इक्वल है, 3 4 इक्वल है, 5 6 इक्वल है, 7 8 इक्वल है, ये सब चीजें हमें पता है। तो हमें अब ये ध्यान रखना है कि जो चीजें हमें प्रूव करनी है उस हिसाब से हम लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में से डबल ऑफ एंगल 1 कर लूं तो इसके साथ मुझे ये वाला एंगल चाहिए, समझ रहे हो बात को। देखो हमें AOB ले रहे हैं, हम AOB सॉरी हाँ अच्छा ये ऊपर वाला है, चलो ऊपर वाला देख लेते हैं, AOB ले रहे हैं, ये वाला हम एंगल की बात करें। मीन्स अब मैं इसको ना दूसरे मार्कर से करती हूँ ताकि आपको समझ में आए, AOB यहाँ पे हम इसकी बात करें जिसमें हमें इन दोनों को 180 प्रूफ करना है। मतलब अगर मैं इन दोनों में से सेकंड को डबल कर रही हूं तो मुझे इन दोनों में से थर्ड को डबल करना है ताकि ये 2 और 3 बन के AOB बन सके। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 1 और 2 में से मैंने देख लिया कि मैं डबल कर रही हूँ एंगल 2 को, तो यहां से मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, इन जैसे अब इन दोनों में से डबल ऑफ एंगल 2 कर दिया तो इन दोनों में से मुझे डबल ऑफ एंगल 3 करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है ये 2 और 3 मिलके मेरा AOB बन जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आगे चलते हैं, यहाँ पे दो देखो तो इन दोनों में से, अब देखो इन दोनों में से मैं एंगल 4 को तो ऑलरेडी हटा चुकी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो मुझे वैसे भी ऑपोजिट साइड का दिखाना है, तो इसकी ऑपोजिट साइड में कौन सा बन रहा है, डी ओ सी ये बन रहा है, मतलब कि इस एंगल की बात करें 7 और एंगल 7 और एंगल 6 की, तो 7 और 8 में से मैं डबल ऑफ एंगल 7 कर देती हूँ, सो 7 और 8 में से मैंने कर दिया ट्वाइस ऑफ एंगल 7 और 5 और 6 में से मैंने कर दिया ट्वाइस ऑफ एंगल 6, जो मुझे एंगल चाहिए मैं सिर्फ उन पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, ठीक है। सो ये पूरा इक्वल होगा 360 के। अब इन सब में से 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6, ठीक है, ये इक्वल है 360 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल 2
और 3 है, ये हमने देखा एंगल 2 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल ए ओ बी। सिमिलरली प्लस 7 और 6 मिलके क्या बना रहे हैं, डी ओ सी। सो प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो 360 अपॉन 2 हो जाएगा, क्या आएगा 180 डिग्री। सो हमें प्रूफ क्या करना था, देखो यही करना था कि AOB एंड DOC सप्लीमेंट्री है, तो AOB प्लस DOC 180 आ गया, तो अपने आप हो गए ना सप्लीमेंट्री। अब यही सेम चीज हमें इसके लिए भी करनी है, वो कैसे होगा, जैसे आपने यहाँ 2 और 3 में डबल ऑफ 2 किया था, यहाँ पे 7 और 6 में डबल ऑफ 7 किया था, इसी तरह से 1 और 8 और 4 और 5। तो आपको सेम दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे लिख दोगे सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC भी इक्वल होगा 180 डिग्री का। और हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे पहले इसको पूरा करके दिखाया, आपने ये बोले एंगल्स ले रही हूँ, तो वो एक ही बात है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऑपोजिट एंगल्स लेंगे, ठीक है, ताकि हमें जो प्रूफ करना है या तो ये क्या ये दोनों में से एक भी प्रूफ करके हम सिमिलरली लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ सेट 1, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ सेट 2 एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ सेट नंबर 3। अगेन आई विल से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है, ऐसा लगता है ये बहुत लेंथी है, इसको छोड़ देते हैं, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से समझोगे करोगे प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो समझ में आ जाएगा। ओके सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।